जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार की हवा उत्तर प्रदेश से सांसद और विधायक ने निकाल कर रख दी। खाकी के दामन पर लगे दाग का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए उत्तराखंड पुलिस की जमकर फजीहत कैसे हो रही है। जीरो टॉलरेंस का ये कैसा दावा, खाकी हुई दागदार, ऑडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड पुलिस पर लगा अवैध वसूली का आरोप। उपखनिज ढोने वाले चालकों से वसूली। बीजेपी सांसद और विधायक ने लगाया आरोप। बीजेपी बहुत बदनाम हो रही है, पुलिस प्रशासन जिंदा इंटीरियर का पैसा ले रही है। आम आदमी जो अंडरलोड चल रहा है उससे 500 रुपए हर गाड़ी उगाही कर रही है, और जो दबंग लोग बगैर कागजों के गाड़ी भरते ले जा रहे हैं। टीआई 500 रुपए की। अच्छा, टीआई 500 रुपए की। हाँ, अंडरलोड की भी 500 रुपए की। और कौन करना था, मौर्या के अलावा? मनोज मौर्या करा, लेकिन एंट्री का भी पक्का नहीं है यार। अगर वो उसमें सीओ आ गया, कोई आ गया, गाड़ी बंद हो गई तो कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, तो अब तो एंट्री बंद हो गई क्या? अभी तो 1 तारीख में, अभी तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो मतलब आग लग गई उत्तराखंड के अंदर? हाँ, आग लगी हुई है। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार में नैनीताल और उधम सिंह का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं, बल्कि खुद यूपी के बदायूं के बिलसी से बीजेपी विधायक पंडित राधा कृष्ण शर्मा और आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लगाया है। उन्होंने नैनीताल जिले के थाना लालकुआं और उधम सिंह नगर पुलिस पर उपखनिज ढोने वाले यूपी के वाहन चालकों और स्वामियों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री, पीएमओ, केंद्रीय परिवहन मंत्री समेत प्रदेश के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजी है। परिवहन विभाग होते हुए वो उसकी जिम्मेदारी है वो, लेकिन पुलिस ने वो सारी चीज अपने हाथ में ले ली है और उसी की आड़ में ये सारी अवैध वसूली हो रही है। इस कारण से जो यूपी से आने वाली गाड़ियां, जो जिनसे हमारा व्यवसाय चलता है, वो गाड़ियां भी यहाँ नहीं आ रही, ट्रक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना डरा दिया है कि खाली आ रहे हैं तब भी उनका चालान, भरे जा रहे हैं तब भी उनका चालान, और कुछ नहीं मिल रहा तो अगर पैसे नहीं दे रहा है तो वो उनको सीज कर दे रहे हैं। जो पुलिस द्वारा एक मतलब भय का माहौल पैदा कर दिया है पुलिस द्वारा वाहन स्वामियों और आम जनमानस को, पुलिस ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जो है लोग त्राई त्राई करने लग गए हैं। परिवहन विभाग की सब जिम्मेदारियां हैं ओवरलोड अंडरलोड की, लेकिन पुलिस विभाग जो है उसमें अपना हस्तक्षेप करके अंडरलोड ओवरलोड के आड़ पर अवैध वसूली कर रहा है, और साथ ही जो है जो लोग अपने सिस्टम से चल रहे हैं, अंडरलोड माल लेकर के चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट जिनके पूरे हैं, और उनको भी वो परेशान कर रही है। आरोप संगीन है, जवाब पुलिस प्रशासन को तो देना ही होगा। साहब आए हैं जवाब देने के लिए भी, वो भी सुन लीजिए। प्रकरण मेरे पास मीडिया के माध्यम से आया है। मेरे पास जो उसमें वर्णित एमपी या एमएलए का जो पत्र है, शिकायती पत्र, वो मुझ तक नहीं पहुंचा है। तो उसके अनुसार उन्होंने कोई अवैध वसूली की शिकायत की है लालकुआं और उधम सिंह नगर एरिया में। तो मैंने दोनों एसएसपी को उसे फॉरवर्ड कर दिया है और उनसे आख्या मांगी है कि क्या फैक्ट्स हैं। लालकुआं से यूपी के तमाम शहरों में उपखनिज ढोने का काम किया जाता है। रोजाना सैकड़ों वाहन ओवरलोडेड उपखनिज लेकर यूपी जाते हैं। बहरहाल लालकुआं कोतवाली पुलिस पर ट्रांसपोर्टर्स और वाहन चालकों से अवैध वसूली को लेकर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध खनन को लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। अवैध खनन को लेकर डीजी अशोक कुमार बेहद नाराज हैं। इस मामले में विधायक और सांसद ने मुख्यमंत्री सहित पीएमओ को पत्र लिखा है। हल्द्वानी से दिनेश कुमार के साथ नवीन पांडे, R9 TV, देहरादून।